आप सभी को एक बार पुनः हिंदी क्लब में स्वागत है। जैसा कि पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा, क्लास 6 और क्लास 7 सिविक्स विषय के बारे में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया गया। आज हम आप लोगों की सेवा में क्लास 8 का विषय सिविक्स चैप्टर नंबर 1 लेकर के आए हैं और उस चैप्टर का शीर्षक है भारतीय संविधान। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भारतीय संविधान ये हमारा एक दुनिया का एक अलग संविधान है और जब हम लोग अंग्रेजों के द्वारा जो भारत पर शासन किया गया था उसके दरमियान जो जख्में हम लोगों ने खाई थी, जो चीज़ें हम लोगों ने सीखी है, उन आदर्शों को, उन परिस्थितियों को और उस समय जो समाज में जो उपस्थित जो हर तरह के जातिगत कानूनी तौर पर सामाजिक भेदभाव, अस्पृश्यता, लोगों के वयस्क मताधिकार से संबंधित बातों को इसमें हमारे संविधान निर्माताओं ने रखने का काम किया है, एक बहुत ही सराहनीय कार्य है। तो भारतीय संविधान में अंग्रेजों के शासनकाल के दौरान जितनी तरह की जो बातें हम लोगों ने सीखी है, जो जो चीज़ें हम लोगों के साथ बीती है, उन सभी आदर्शों को इसमें ढालने का हम लोग काम किए हैं। तो चलिए आज हम लोग दुनिया का सबसे अच्छा और एक लोकतांत्रिक संविधान के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त करेंगे। तो शुरू करते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 1 है, संविधान किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर ये होगा कि नियमों और आम सहमति संबंधित जब लिखित रूप में कोई भी चीज़ हम उसको लिखते हैं उसे हम संविधान कहेंगे, या संविधान जब कोई भी आम सहमति बनती है और आम सहमति के बाद नियमों के संग्रह को जब एक लिखित रूप में हम लोग सामने प्रस्तुत करते हैं तो उस लिखित संग्रह को ही हम संविधान कहेंगे। अगला प्रश्न है कि पहली बार भारतीय संविधान सभा के गठन की मांग कब रखी गई थी? ये प्रश्न संख्या 2 है। तो इसका उत्तर होगा 1934 में कांग्रेस ने अपने प्रस्ताव में पहली बार भारतीय संविधान के गठन की मांग रखी गई थी, क्योंकि उसके पहले कांग्रेस चाहती थी कि जो अंग्रेजों का शासन है उसमें कुछ मूलचूल परिवर्तन ही करके और हम लोग आगे काम करें, लेकिन पहली बार उसे महसूस हुआ कि हमारा एक अलग संविधान होना चाहिए और इस संविधान सभा की मांग उन्होंने 1934 के प्रस्ताव में पारित करके और अंग्रेजों के सामने रखा था। प्रश्न संख्या 3, संविधान सभा का गठन कब हुआ, यानी संविधान सभा का गठन कब हुआ? तो दिसंबर 1946 से लेकर के नवंबर 1949 तक, इस अवधि में संविधान सभा का गठन हुआ और संविधान सभा ने अपनी जिम्मेवारी को पूर्ण रूप से निर्वहन भी किया। प्रश्न संख्या 4, संविधान के निर्माण में या संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी थी, या उसको ऐसे भी कहेंगे संविधान सभा में कितने सदस्यों की संख्या थी? तो उसका सही उत्तर होगा 300। 300 सदस्यों की संख्या थी जो भारत के विभिन्न राज्यों से निर्वाचित होकर के संविधान सभा के सदस्य बने थे। अगला प्रश्न है कि संघवाद किसे कहते हैं? तो संघवाद
क्या है या संघवाद किसे कहते हैं। तो जिस देश में एक से ज़्यादा स्तर की सरकारों का होना वो संघवाद कहलाता है। भारत में भी एक से ज़्यादा स्तर की सरकारें हैं, इसलिए भारत को भारतीय संविधान में संघवाद की चर्चा हुई है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 5, भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। भारतीय संविधान का जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6, विधायिका में हमारे प्रतिनिधि होते हैं, यानी प्रश्न इस प्रकार है प्रश्न संख्या 6 में, विधायिका में हमारे प्रतिनिधि होते हैं, तो उसका सही आंसर होगा कि विधायिका में हमारे निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 7, कार्यपालिका का अर्थ है ऐसे लोगों का समूह जो कानून को लागू करने का काम करती है, या सरकार ही कार्यपालिका है, इसको भी हम कह सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है संविधान द्वारा हमें कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हुए। संविधान द्वारा कितने मौलिक अधिकार प्राप्त है, तो इसका सही उत्तर होगा 6। संविधान ने हमें 6 मौलिक अधिकार दिया है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 9, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष थे। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 10, संविधान सभा के कार्यकारी अध्यक्ष कौन थे, तो इसका सही उत्तर होगा संविधान सभा का कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 11, संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा कथन सत्य है। कथन संख्या 1, जिन देशों के पास अपना संविधान होता है वे सभी लोकतांत्रिक देश होते हैं। कथन संख्या 2, संविधान समाज के मूलभूत स्वरूप का निर्धारण करता है, तो इसका सही उत्तर होगा संविधान समाज के मूलभूत स्वरूप का निर्धारण करता है, यानी कथन संख्या 2। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 12, लोकतांत्रिक देश का अर्थ है जिन उन आदर्शों को सूत्रबद्ध करना जिनके आधार पर नागरिक अपने देश को अपनी इच्छा और सपनों के आधार पर रच सकते हैं, यानी लोकतांत्रिक देश उसे कहेंगे जहां पर उन आदर्शों को सूत्रबद्ध करता है जिनके आधार पर नागरिक अपने देश को अपनी इच्छा और सपनों के आधार पर रच सकते हैं। तो इसमें ये भी कह सकते हैं कि जिस देश में वयस्क मताधिकार के द्वारा निर्वाचन के द्वारा प्रतिनिधियों का चुनाव होता है, और ये प्रतिनिधि जब संसद या विधानसभा में जाते हैं तो वहाँ पर सरकार बनाते हैं और जनता का अप्रत्यक्ष रूप से प्रतिनिधित्व करते हैं, तो ऐसी व्यवस्था को हम लोकतांत्रिक देश कह सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है संविधान सभा के गठन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, और कौन सा कथन असत्य है। कथन संख्या 1, 1934 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा के गठन की मांग की और पहली बार अपनी अधिकृत नीति में शामिल किया। दूसरा, भारत में संविधान सभा का गठन दिसंबर 1946 में
किया गया, तो ये जो प्रश्न है, भारत में संविधान सभा का गठन दिसंबर 1940 में किया गया और कथन संख्या एक 1934 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा के गठन की मांग को पहली बार अपनी अधिकृत तिथि में शामिल किया, ये दोनों कथन सही है। ये दोनों कथन क्या है? सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करें, कौन सा कथन सत्य है? कथन संख्या एक, भारतीय संविधान में अल्पसंख्यक वर्गों को संरक्षण प्रदान किया गया है। कथन संख्या दो, संघवाद का अर्थ है देश में एक से अधिक ज़्यादा स्तर पर सरकारों का होना। तो ये दोनों कथन सही है। नेक्स्ट प्रश्न है संविधान के अनुसार सरकार के अंग हैं, पहला कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। तो इसका सही उत्तर कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। निम्नलिखित पर विचार करें, कौन सा कथन सत्य है? पहला, संविधान में राज्य शब्द का संदर्भ राज्य सरकारों से नहीं होता। दूसरा, संविधान के अनुसार राज्य एक ऐसी राजनीतिक संस्था होती है जो निश्चित भूभाग में रहने वाले संप्रभु लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। तो कथन संख्या दो ये सही है, संविधान के अनुसार राज्य एक ऐसी राजनीतिक संस्था होती है जो निश्चित भूभाग में रहने वाले संप्रभु लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। तो ये कथन सही है। प्रश्न संख्या 16, नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान निर्माण के समय निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा अधिकार मौलिक अधिकारों में शामिल थे? सही उत्तर का हम चयन करें। तो पहला है समानता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा संवैधानिक उपचार का अधिकार और छठा सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार, सातवां संपत्ति का अधिकार। तो ये संपत्ति का अधिकार ये मौलिक अधिकार में नहीं है। अभी जो है समानता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, संवैधानिक उपचार का अधिकार है और सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार है। ये छह तरह के हमारा मौलिक अधिकार संविधान में दिया गया है। अब हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे कि संविधान का उद्देश्य कौन कौन है। पहला इसका उद्देश्य है, इसका सही उत्तर ये होगा कि पहला इसका उद्देश्य है कि उन आदर्शों को सूत्रबद्ध करना जिन आदर्शों के आधार पर नागरिक अपने देश को सपनों के अनुसार रच सकते हैं। दूसरा उद्देश्य है कि देश की राजनीतिक व्यवस्था को तय करना। तीसरा इसका उद्देश्य है कि लोकतांत्रिक शासन पद्धति में संविधान बहुत अहम भूमिका अदा करता है। और चौथी इसका उद्देश्य है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुने गए नेता अपनी सत्ता का दुरुपयोग नहीं करेंगे, इसको संविधान रोकता है। तो ये सभी जो हैं ये संविधान का उद्देश्य हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि संविधान का और कौन कौन सा कार्य है। तो संविधान का बहुत से कार्य हैं, उनमें प्रमुख कार्यों में अल्पसंख्यकों को बहुसंख्यकों के शोषण से सुरक्षा उपलब्ध कराना,
दूसरा है कि यह दबदबा एक समुदाय द्वारा दूसरे समुदाय के ऊपर भी हो सकता है, जिससे हम उसे हम अंतर सामुदायिक वर्चस्व कहेंगे। और कभी कभी एक ही समुदाय के भीतर कुछ लोग दूसरों को दबाते हैं, जिसे हम अंतर सामुदायिक वर्चस्व कहते हैं। तो इस तरह के जो कार्य हैं हमारे संविधान का है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे कि भारतीय संविधान का निर्माण करने के पहले किन-किन बिंदुओं पर विशेष जोर दिया गया? तो उसमें निम्नलिखित बिंदुओं पर जोर दिया गया। बिंदु संख्या 1, स्वतंत्र भारत को एक लोकतांत्रिक देश होना चाहिए। बिंदु संख्या 2, प्रत्येक नागरिक को समान माना जाएगा। बिंदु संख्या 3, सभी को सरकार में हिस्सेदारी का मौका मिलेगा, अधिकार मिलेगा। तो ये हमारे भारतीय संविधान निर्माण के पहले इन बिंदुओं पर विशेष रूप से चर्चा की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा कि हमारे देश भारत देश में अपने प्रतिनिधियों के चुनाव में देश के सभी लोगों को, जो वयस्क हैं, उनको ये सीधी भूमिका होती है कि वे अपने प्रतिनिधियों को मतदान करते हैं और उसका चुनाव करते हैं। और दूसरा इसका मतलब ये होता है कि हर व्यक्ति खुद चुनाव लड़ सकता है, चाहे वह किसी पृष्ठभूमि का क्यों न हो। और इसमें जो प्रतिनिधि होते हैं वो जनता के प्रति जवाबदेह होते हैं और जनता के प्रति वो अपनी जिम्मेवारी को निभाते हैं। तो ये सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के कुछ कार्य हैं, और यह सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का ये स्वरूप है। संविधान के अनुसार सरकार के कितने अंग हैं? तो संविधान के अनुसार सरकार के 3 अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। भारतीय संविधान, नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों को क्यों जोड़ा गया है? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है सीटेट के लिए। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों को इसलिए जोड़ा गया क्योंकि यहाँ पर अच्छी तरह से सामाजिक और आर्थिक सुधार किया जा सके या लाया जा सके। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद स्वतंत्र भारतीय राज्य जनता की गरीबी दूर करने वाले कानून और नीतियाँ बनाते समय इन सिद्धांतों को मार्गदर्शक के रूप में अपने सामने रख करके तब वो काम करते हैं। तो ये भारतीय नीति निर्देशक तत्व का काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ जो है सामाजिक और आर्थिक सुधार लाने के लिए इसको लाया गया था। और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो भी सरकार है, जनता की जितनी भी समस्याएं हैं, इन कानून और नीतियों को बनाते समय उन सिद्धांतों को मार्गदर्शक के रूप में सामने रख करके काम होता है। इसलिए भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व का काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान है। भारतीय सरकार के प्रथम मंत्रिमंडल के मंत्रियों का विवरण क्या था? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि भारतीय सरकार के प्रथम मंत्रिमंडल के मंत्रियों का विवरण क्या था? तो मंत्रियों का विवरण इस प्रकार था, खाद्य एवं कृषि मंत्री श्री जयराम दास दौलतराम, स्वास्थ्य मंत्री श्रीमती राजकुमारी अमृत कौर, राजकुमारी अमृत कौर, वित्त मंत्री डॉक्टर जॉन मथाई, उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, श्रम मंत्री श्री जगजीवन राम। तो ये था भारतीय सरकार के प्रथम मंत्रिमंडल के कुछ प्रमुख मंत्रियों का विवरण। क्लास 8 विषय सिविक्स चैप्टर नंबर 2, जिसका शीर्षक है धर्म निरपेक्षता की समझ से संबंधित कुछ प्रश्न
आप लोगों के लिए लाया गया है, जो सीटेट के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो सबसे पहले हम ये समझें कि धर्मनिरपेक्षता की समझ क्या है, आखिर धर्मनिरपेक्षता क्या है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, यहाँ पर भारत का अपना कोई धर्म नहीं है, और भारतीय संविधान में यह प्रावधान किया गया है कि भारत का अपना कोई धर्म नहीं होगा। यहाँ पर सभी लोगों को अपनी अपने धर्म को मानने की छूट दी गई है, या कोई भी व्यक्ति चाहे तो किसी भी धर्म को अपना सकता है, इस पर किसी तरह का प्रतिबंध नहीं रखा गया है। और सबसे बड़ी बात है कि भारत का अपना कोई धर्म नहीं है। तो चलिए आज हम धर्मनिरपेक्षता की समझ पर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में बातचीत करें। तो प्रश्न संख्या एक में हम लोग कहेंगे कि धर्मनिरपेक्षता क्या है। तो धर्मनिरपेक्षता का ये मतलब हुआ कि भारतीय राज्य ने धर्म और राज्य की शक्ति को एक दूसरे से अलग रखने की रणनीति अपनाई है, और धर्म को राज्य से अलग रखने की इसी अवधारणा को हम धर्मनिरपेक्षता कहेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि धर्म को राज्य से अलग रखना क्यों महत्वपूर्ण है। तो इसलिए इसके कई कारण हैं। पहला है बहुमत की निरंकुशता को रोकना, जो बहुमत में है उनकी निरंकुशता को रोकना, यानी कि जिस क्षेत्र में किसी धर्म विशेष लोगों की दबदबा होगी, तो अन्य धर्म को मानने वाले को वो दबा नहीं पाए, उन्हें प्रताड़ित नहीं कर पाए, उन्हें उनका शोषण नहीं कर पाए। इसलिए हमारे भारतीय संविधान में धर्म को राज्य से अलग रखने से संबंधित कुछ प्रस्ताव बनाए गए हैं, जिसमें बहुमत की निरंकुशता को रोकना पहला। दूसरा हो गया कि धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव को रोकना, ठीक है। तीसरा है मौलिक अधिकारों का हनन से रोकना, और चौथा हो गया धार्मिक चुनाव के अधिकार की रक्षा करना। तो ये धर्म को राज्य से अलग रखने का कुछ महत्वपूर्ण कारण है। नेक्स्ट प्रश्न है कि धर्म निरपेक्षता में किन-किन बातों पर ख्याल रखा जाता है। तो उसका उत्तर होगा कि कोई भी धार्मिक समुदाय किसी भी दूसरे धार्मिक समुदाय को नहीं दबा पाए, ना उनका शोषण कर पाए। कुछ लोग अपने ही धर्म के अन्य सदस्यों को न दबा पाए, और राज्य न तो किसी खास धर्म को थोपेगा और न ही लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता को छीनेगा। तो इसलिए धर्म निरपेक्षता में इन बातों को ख्याल रखा गया। नेक्स्ट प्रश्न हो गया कि धार्मिक दबदबे को रोकने के लिए भारतीय राज्य क्या करता है। तो उसका उत्तर होगा, पहला, वह खुद को धर्म से दूर रखता है। दूसरा, राज्य की बागडोर किसी धार्मिक समूह के हाथों में नहीं देता है। और तीसरा है कि राज्य किसी भी एक धर्म का समर्थन नहीं करेगा, बल्कि कोई भी राज्य के अंतर्गत रहने वाले जो भी धर्म के लोग हैं, वे अपने अपने धर्म को मान सकते हैं, उन पर किसी तरह का प्रतिबंध नहीं रखा गया, इस तरह से उन्हें धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है। नेक्स्ट प्रश्न है कि धार्मिक वर्चस्व को रोकने के लिए कौन कौन सा तरीका है। धार्मिक वर्चस्व को रोकने के लिए निम्नलिखित तरीका है। पहला तरीका है कि राज्य खुद को अपने अपने आप को धर्म से दूर रखता है। दूसरा तरीका है अहस्तक्षेप की नीति, और तीसरा तरीका है हस्तक्षेप की नीति। तो ये धार्मिक वर्चस्व को रोकने के लिए तीन तरीका है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय धर्म निरपेक्षता
दूसरे लोकतांत्रिक देशों की धर्म निरपेक्षता से किस तरह अलग है? ये वह काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है सीटेट को लेकर के। यानी भारतीय धर्म निरपेक्षता दूसरे लोकतांत्रिक देशों की धर्म निरपेक्षता से किस तरह अलग है? तो इसका उत्तर यह होगा कि अमेरिकी धर्म निरपेक्षता में धर्म और राज्य के बीच स्पष्ट अलगाव है, जबकि भारत राज्य में धर्म निरपेक्षती मामलों में हस्तक्षेप करने की उनको छूट दी गई है। भारतीय धर्म निरपेक्षता में राज्य धर्म से तो अलग तो है, लेकिन उसका फासला सैद्धांतिक है। और तीसरा हो जाएगा कि भारत में मौलिक अधिकार धर्म निरपेक्ष सिद्धांतों पर आधारित है। तो ये जो भारतीय धर्म निरपेक्षता है, जो दुनिया के अन्य लोगों के अन्य लोकतांत्रिक देशों की धर्म निरपेक्षता से भिन्न है। नेक्स्ट प्रश्न है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकारी स्कूलों के बच्चों को किस बात की शपथ दिलाई जाती है? तो इसका उत्तर होगा कि संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकारी स्कूलों के बच्चों को वफादारी की शपथ, यानी प्लेज ऑफ एलिजेंस, वफादारी की शपथ दिलाई जाती है। और इस शपथ में ईश्वर की छत्र छाया शब्द का इस्तेमाल होता है। अगर यह शपथ किसी बच्चे के धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाती है, तो उसे दोहराने की जरूरत उसे नहीं है। और ईश्वर की छत्र छाया वाक्यांश अमेरिकी संविधान के पहले संशोधन में चर्च और राज्य के बीच किए गए पृथक्करण का उल्लंघन करता है। तो नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा कथन सत्य है? कथन संख्या 1, 2004 में फ्रांस में कानून के द्वारा धार्मिक अथवा राजनीतिक चिन्हों प्रतीकों को धारण करके स्कूलों में आना वर्जित कर दिया गया। दूसरा, फ्रांस के अप्रवासी लोगों ने इस कानून का समर्थन किया। तो ये दोनों प्रश्न सही है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान में निहित धर्म संबंधित अधिकारों के विषय में वर्णित निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन सत्य है? पहला, संविधान में वर्णित प्रावधानों के आधार पर राज्य धर्म के मामले में हस्तक्षेप कर सकता है। दूसरा, भारतीयों को प्राप्त मौलिक अधिकार धर्म निरपेक्षता के सिद्धांतों का विरोध करते हैं। तो इसमें पहला जो कथन है वो सही है, संविधान में वर्णित प्रावधानों के आधार पर राज्य धर्म के मामले में हस्तक्षेप कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि धर्म निरपेक्षता के संदर्भ में राज्य के कर्तव्यों के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें, कौन सा कथन सत्य है? तो इसका उत्तर होगा कि भारतीय राज्य खुद को अपने धर्म से अलग रखता है, धार्मिक क्रियाकलापों में अहस्तक्षेप की नीति अपनाता है और धार्मिक वर्चस्व को रोकने के लिए भारतीय राज्य कभी कभी हस्तक्षेप भी करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, अमेरिका से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा कथन असत्य है? पहला, अमेरिका की विधायिका कानून बनाकर किसी भी धर्म को राजकीय धर्म घोषित कर सकती है। दूसरा, संयुक्त राज्य अमेरिका में राज्य और धर्म के पृथक्करण का अर्थ है कि राज्य और धर्म दोनों एक दूसरे के मामले में किसी प्रकार का दखल नहीं दे सकते हैं। तो इसका पहला जो कथन है वो सही है, अमेरिका की विधायिका कानून बना करके किसी भी धर्म को राजकीय धर्म घोषित कर सकती है, ये सही है। चैप्टर नंबर 3 लेकर के आपकी सेवा में उपस्थित हैं और उस चैप्टर का शीर्षक है कि हमें संसद
क्यों चाहिए? तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि संसद क्या है। तो संसद में, चूंकि हमारी भारतीय लोकतंत्र की सबसे महत्वपूर्ण प्रतीक और संविधान का केंद्रीय तत्व है, या उसको अब हम कह सकते हैं कि संसद भारतीय लोकतंत्र की आधार स्तंभ है। अगर हमारे देश में संसद नहीं हो, या हमारे देश में अगर संसद नहीं होता, तो सरकार या विधायिका, कार्यपालिका पर नियंत्रण नहीं हो पाता और सरकार निरंकुश हो जाती और जनता की इच्छाओं और आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर पाती। ये संसद ही है कि सरकार कार्यपालिका को, विधायिका को, और उसको हर तरह से नियंत्रित करती है और लोगों की इच्छाओं, संविधान के प्रावधानों और उन सारे तत्वों को सुरक्षा प्रदान करती है जो एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में होना चाहिए। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं कि हमें संसद क्यों चाहिए। इस शीर्षक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो प्रश्न संख्या एक से शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या एक में है कि 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अंग्रेजों के सामने कौन सी मांग को रखा? पहला, विधायिका में निर्वाचित सदस्य होने चाहिए। दूसरा, उन्हें बजट पर चर्चा करने तथा प्रश्न पूछने का अधिकार मिलना चाहिए। चूंकि 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी और उस समय की कांग्रेस ये नहीं चाहती थी कि अंग्रेजों को यहाँ से हम भगाएं, अंग्रेजों को यहाँ से निकाल दें। कांग्रेस सिर्फ यही चाहती थी कि उस समय जो सरकार है, ब्रिटिश सरकार, औपनिवेशिक सरकार, सरकार वही रहे, लेकिन उसकी व्यवस्था में कुछ मूल चूल हम परिवर्तन करें और उस परिवर्तन के अनुसार हम अपने शासन को संचालित करें। तो ये जो चीज़ थी वहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, तो उन्होंने उससे संबंधित कुछ प्रस्ताव किया था जिसमें उन्होंने कहा कि विधायिका में निर्वाचित सदस्य होने चाहिए, ठीक है, और उन्हें चूंकि बजट पर चर्चा करने, प्रश्न पूछने का अधिकार मिलना चाहिए। तो ये दो चीज़ों पर उन्होंने काफ़ी ध्यान दिया और दो चीज़ों की उन्होंने मांग की थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत का संसद क्या है और इसके कितने सदन हैं। तो भारत का संसद एक सर्वोच्च कानून निर्मात्री संस्था है। यहाँ पर कानून का निर्माण किया जाता है। इसके दो सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। देश के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होते हैं। तो ये था इसका आंसर, उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का सबसे पहले कब इस्तेमाल किया गया था? तो इसका उत्तर है 2004 के आम चुनाव में। और इस चुनाव में ईवीएम के इस्तेमाल से लगभग 1.5 लाख पेड़ों की रक्षा हुई, क्योंकि मत पत्रों की छपाई के लिए इन पेड़ों को काट करके 8,000 टन कागज बनाना पड़ता। तो ये 1,50,000 पेड़ों की रक्षा इससे हुई और इससे पर्यावरण भी सुरक्षित हुआ और 2004 में इसकी इस्तेमाल शुरू हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है कि केंद्रीय सचिवालय की दो मुख्य इमारतें कौन कौन हैं? तो इसका उत्तर होगा साउथ ब्लॉक और नॉर्थ ब्लॉक। और इसका निर्माण 1930 के दशक में किया गया था। साउथ ब्लॉक में प्रधानमंत्री कार्यालय, रक्षा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय के दफ्तर हैं, जबकि नॉर्थ ब्लॉक में
वित्त मंत्रालय और गृह मंत्रालय स्थित हैं। राज्यसभा का विस्तृत वर्णन करें कि राज्यसभा क्या है, तो राज्यसभा, इसका उत्तर होगा कि राज्यसभा मुख्य रूप से देश के राज्यों की प्रतिनिधि के रूप में वो काम करती है। राज्यसभा भी कोई कानून बनाने का प्रस्ताव पेश कर सकती है। विधेयक को कानून बनने में राज्यसभा की मंजूरी आवश्यक है। राज्यसभा लोकसभा द्वारा पारित विधेयक की समीक्षा और संशोधन कर सकता है और राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य करते हैं। ये सभी हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि संसद सरकार को कैसे नियंत्रित करती है, तो इसका उत्तर होगा कि प्रश्नकाल के माध्यम से सांसद सरकार के कामकाज के बारे में जानकारी हासिल करती है। प्रश्नकाल के माध्यम से संसद कार्यपालिका को नियंत्रित करती है और जनता के प्रतिनिधियों यानी सांसदों के जरिए जनता की राय जानने का मौका मिलता है। ये सभी उत्तर इनका होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि सांसदों की क्या भूमिका होती, तो इसका उत्तर होगा जनप्रतिनिधियों के रूप में संसद को नियंत्रित, निर्देशित, सूचित करने में सांसदों की एक अहम भूमिका होती है और यह भारतीय लोकतंत्र का एक मुख्य आयाम है। नेक्स्ट प्रश्न है कि राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है, तो राज्यसभा में राज्यसभा की कुल सदस्य संख्या 245 हैं, जिसमें से 233 निर्वाचित सदस्य होते हैं और 12 सदस्य जो है वह राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि लोकसभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है, तो इसका सही उत्तर होगा कि लोकसभा में 545 सदस्य हैं, जिसमें से 533 निर्वाचित होते हैं और 2 एंग्लो इंडियन को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि संसद में सीटों का आरक्षण किस लिए किया गया, तो इसका सही उत्तर होगा कि सभी जातियों, जैसे अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, यानी सभी जातियों की प्रतिनिधित्व संसद में हो सके, इसलिए उन जातियों के लिए कुछ सीटों को आरक्षित किया गया है। और ऐसा इसलिए किया गया है ताकि इस चुनाव क्षेत्र से केवल दलित और आदिवासी उम्मीदवार ही जीते और दलितों और आदिवासियों की जिंदगी से जुड़े मुद्दों को ज़्यादा अच्छी तरह संसद में उठा सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि संसद में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत सीट आरक्षित हैं, तो इसका सही उत्तर होगा कि 60 साल पहले संसद में केवल 4% महिलाएं थी और आज उनकी संख्या 9% से भी ऊपर पहुंच पाई है। नेक्स्ट प्रश्न है कि कानून के शासन के विकास क्रम में भारतीय लोगों ने क्या योगदान दिया, इसका उत्तर होगा कि भारतीय कानून विशेषज्ञ अपने देश के लोगों के अधिकारों की हिफाजत के लिए
कानून का इस्तेमाल करने लगे। भारतीय न्यायाधीश भी फैसले लेने से पहले से ज़्यादा भूमिका निभाने लगे। नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदू उत्तराधिकार संशोधन कानून क्या है और कब लागू किया गया? हिंदू उत्तराधिकार कानून के अंतर्गत बेटे, बेटियां और उनकी मां तीनों को परिवार की संपत्ति में बराबर हिस्सा मिल सकता है और यह कानून 2005 में लागू किया गया। इसके पहले जो संपत्ति में हिस्सेदारी होती थी वह है पिता और पुत्र को ही होता था, माता और पुत्री को नहीं था। यही कारण है कि हिंदू उत्तराधिकार कानून संशोधन कानून 2005 में लागू किया गया और उसमें ऐसा प्रावधान किया गया कि संपत्ति के बंटवारे में बेटे, बेटियां और उनकी माता तीनों को बराबर का हिस्सा मिलना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है कि घरेलू हिंसा कानून क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा, जब परिवार का कोई भी सदस्य घर के किसी औरत के साथ मारपीट करता है, चोट पहुंचाता है या धमकी देता है तो उसे हम घरेलू हिंसा कहते हैं। घरेलू हिंसा कानून 2005 में, घरेलू शब्द का मतलब है ऐसी महिलाएं जो घरेलू दायरे को हिंसा मानी जाएंगी जो हिंसा करने वाले पुरुष के साथ एक ही मकान में रहते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा कथन सत्य है? पहला है, सार्वभौमिक मताधिकार का अर्थ है देश के सभी वयस्क नागरिकों को वोट देने का अधिकार प्राप्त है। दूसरा है, लोगों का निर्णय ही लोकतांत्रिक सरकार का गठन करता है और उसके कामकाज के बारे में फैसला देता है। तो इसका सही उत्तर होगा कि ये दोनों कथन सही हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा कथन सत्य है? पहला, जनता द्वारा संसद के लिए चुने गए सभी प्रतिनिधियों में से एक समूह सरकार बनाता है। दूसरा, संसद सरकार को नियंत्रित करती है और उसका मार्गदर्शन करती है। तो ये दोनों कथन सही हैं। निम्नलिखित में से कौन से निकाय संसद के अंगों में शामिल हैं? या उसको ऐसे भी कह सकते हैं कि सरकार संसद के कौन कौन अंग हैं? तो उसमें राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति, ये तीनों जो है संसद के महत्वपूर्ण अंग हैं। भारतीय संसद, नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संसद से संबंधित निम्नलिखित कथन कौन सा कथन सत्य है? पहला, भारतीय संसद देश की सर्वोच्च कानून निर्माती संस्था है, ये बिल्कुल सही है। दूसरा, राज्यसभा और लोकसभा में क्रमशः 245 और 545 सदस्य होते हैं जिनके सभापति एवं अध्यक्ष क्रमशः उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति होते हैं। तो इसका पहला कथन सही है, दूसरा गलत है, क्योंकि राज्यसभा के सभापति तो उपराष्ट्रपति होते हैं लेकिन लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं वो निर्वाचित होते हैं और उनको लोकसभा का अध्यक्ष कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित पर विचार करें, कौन सा कथन सत्य है? पहला, लोकसभा में निवर्तमान 545 सदस्यों में से 543 निर्वाचित
जबकि 2 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होता है। कथन संख्या 2, राज्यसभा में निवर्तमान 245 सदस्यों में 233 निर्वाचित सदस्य और 12 सदस्य को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। ये दोनों कथन सही है। भारतीय संसद से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा कथन सत्य है। पहला हो गया, कार्यपालिका ऐसे लोगों का समूह होती है जो संसद द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करने के लिए मिलकर काम करते हैं। ये कथन सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि लोकसभा में सत्ताधारी दल का मुखिया कौन होता है। तो इसका सही उत्तर होगा प्रधानमंत्री, क्योंकि प्रधानमंत्री लोकसभा में सत्ताधारी दल का मुखिया होता है। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय संसद की कार्य प्रणाली निम्नलिखित कथनों में कौन सा है। पहला हो गया, प्रश्नकाल के माध्यम से संसद सरकार के कामकाज के बारे में जानकारी हासिल करती है और इसके माध्यम से संसद कार्यपालिका पर नियंत्रण भी रखती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सांसदों के प्रश्नों से सरकार को भी महत्वपूर्ण फीडबैक मिलता है, वह सरकार चुस्त दुरुस्त भी होती है। बिल्कुल सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, नेक्स्ट प्रश्न है, 1885 में किसने मांग की कि विधायिका में निर्वाचित सदस्य होने चाहिए और उन्हें बजट पर चर्चा प्रश्न पूछने का अधिकार होना चाहिए। तो उसका सही उत्तर होगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने। नेक्स्ट प्रश्न है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कब बना। तो इसका सही उत्तर होगा 1909 ईस्वी में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 ईस्वी में बना था। नेक्स्ट प्रश्न है कि रॉलेट एक्ट क्या है। इस एक्ट के माध्यम से ब्रिटिश सरकार बिना मुकदमा चलाए लोगों को कारावास में डाल देती थी और 10 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट को लागू कर दिया गया। क्लास 8 विषय सिविक्स चैप्टर नंबर 4, जिसका शीर्षक है कानूनों की समझ, से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों की सेवा में उपस्थित हैं। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि कानूनों की समझ क्या है। तो आप जानते हैं कि कानून, हमारे हिंदुस्तान के संविधान में कुछ ऐसे प्रावधान किए गए, कुछ कानून बनाए गए हैं और उस कानून को सबको मानना है। कानून के नज़र में सभी बराबर हैं, किसी तरह का धर्म, जाति, लिंग के आधार पर, कानून के आधार पर किसी तरह का कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। कानून के शासन का मतलब है कि सभी कानून देश के सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होगा, कानून से ऊपर कोई व्यक्ति नहीं होगा। किसी भी अपराध या कानून के उल्लंघन की एक निश्चित सजा होती है। तो इस तरह से ये कानूनों की समझ इस चैप्टर का शीर्षक है और उससे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों की परीक्षा को लेकर के बनाए गए हैं। तो हम शुरू करते हैं कानूनों की समझ, जिसका पहला प्रश्न है
कि कानूनों के शासन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। पहला, इसका अर्थ है कि सभी कानून देश के सभी नागरिकों पर सख्ती से लागू होंगे। दूसरा, इसके द्वारा सभी प्रकार के अपराधों के लिए एक निश्चित सजा और प्रक्रिया का प्रावधान किया गया। ये दोनों कथन सही हैं, कोई भी कथन असत्य नहीं है। प्रश्न संख्या दो, रॉलेट एक्ट के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। पहला, मुकदमा चलाकर गिरफ्तार करना। बी, यह एक प्रकार का विरोध का एक्ट है। सी, बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार करना। तो रॉलेट एक्ट के संदर्भ में ये प्रस्ताव था कि बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार करना। नेक्स्ट प्रश्न है कि रॉलेट एक्ट कब लागू हुआ। तो इसका सही उत्तर है 10 मार्च 1919, और यहीं से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की सक्रिय शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि राजद्रोह एक्ट कब आया था, या राजद्रोह एक्ट कब बना। तो इसका सही उत्तर है कि राजद्रोह एक्ट 1870 में बना था। नेक्स्ट प्रश्न है कि बेटे बेटियां और उनकी माँ को संपत्ति पर बराबर अधिकार कानून कब पारित हुआ। तो इसका सही उत्तर है हिंदू उत्तराधिकार संशोधन कानून 2005। नेक्स्ट प्रश्न है कि राजद्रोह एक्ट के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। इसका सही उत्तर होगा कि सरकार का विरोध या आलोचना करने वाले लोग को बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार करना। ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि घरेलू हिंसा कानून कब बना। तो उसका सही उत्तर है वर्ष 2006। नेक्स्ट प्रश्न है कि नागरिक अधिकार कानून कब पारित हुआ। इसका सही उत्तर है 1964, चैप्टर नंबर 5, जिसका शीर्षक है न्यायपालिका। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि न्यायपालिका क्या है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे देश में कानून का शासन चलता है। इसका मतलब यह है कि सभी कानून सभी लोगों पर समान रूप से लागू होते हैं, और जब किसी कानून का उल्लंघन किया जाता है तो एक निश्चित प्रक्रिया अपनाई जाती है कानून के शासन को लागू करने के लिए। हमारे पास एक न्यायिक व्यवस्था है, और इस व्यवस्था में बहुत सारी अदालतें हैं जहां नागरिक न्याय के लिए जा सकते हैं। सरकार का अंग होने के नाते न्यायपालिका भी भारतीय लोकतंत्र की व्यवस्था बनाए रखने में काफ़ी अहम भूमिका निभाती है। तो आप समझ गए होंगे कि हमारे देश में न्यायपालिका का बहुत ही आदरपूर्ण सम्मान है, और ये न्यायपालिका सरकार को संविधान के प्रावधानों के अनुसार कार्य करने के लिए नियंत्रित करती है, निरंकुश होने से रोकती है, संविधान के प्रावधानों की सुरक्षा करती है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या एक, कि न्यायपालिका का मुख्य रूप से कौन कौन सा कार्य है। तो इसका उत्तर होगा
विवादों का निपटारा करना, दूसरा न्यायिक समीक्षा करना, तीसरा कानून की रक्षा और मौलिक अधिकारों को क्रियान्वयन करने में मदद करना, और संविधान के अनुच्छेद 21 में प्रत्येक नागरिक को जीवन का मौलिक अधिकार दिया गया है, उसमें स्वास्थ्य का भी अधिकार शामिल है, उनकी रक्षा करना। तो इस तरह से न्यायपालिका का मुख्य कार्य है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी। तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 26 जनवरी 1950 को सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वतंत्र न्यायपालिका से आप क्या समझते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा, स्वतंत्र न्यायपालिका भारतीय संविधान में एक बहुत ही अच्छा प्रावधान के द्वारा लाया गया है, और भारतीय संविधान में न्यायपालिका को पूर्ण रूप से स्वतंत्र बनाया गया है। न्यायपालिका पर विधायिका और कार्यपालिका, विधायिका और कार्यपालिका जैसे सरकार की कोई भी दखलंदाजी नहीं चलती है। न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीश की नियुक्ति में सरकार का कोई दखल नहीं होता है। न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका द्वारा शक्तियों के दुरुपयोग को रोक सकती है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि स्वतंत्र न्यायपालिका का क्या कार्य है या किसे कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में अदालतों की संरचना कैसी है। तो इसका सही उत्तर होगा कि भारत में 3 अलग अलग स्तर पर अदालतें हैं। निचले स्तर पर बहुत सारी अदालतें हैं, सबसे ऊपरी स्तर पर केवल एक अदालत है, और सभी राज्यों में एक उच्च न्यायालय की भी व्यवस्था की गई। जिन अदालतों से लोगों का ज़्यादा ताल्लुक होता है उसे अधीनस्थ या जिला अदालत कहा जाता है। प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय होता है, और उच्च न्यायालय की स्थापना सबसे पहले कहाँ होता था। तो ये थे इस प्रश्न के उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है कि उच्च न्यायालय की स्थापना सबसे पहले कहाँ और कब हुई। तो इसका सही उत्तर है 1862 में कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में की गई। दिल्ली उच्च न्यायालय का गठन 1966 में हुआ, और आज देश भर में टोटल 24 उच्च न्यायालय हैं। पंजाब और हरियाणा का एक साझा उच्च न्यायालय चंडीगढ़ में है, और 4 पूर्वोत्तर राज्यों असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश के लिए गुवाहाटी में एक ही उच्च न्यायालय है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का एक साझा उच्च न्यायालय हैदराबाद में है। नेक्स्ट प्रश्न, राज्य दिल्ली प्रशासन बनाम लक्ष्मण कुमार एवं अन्य का मुकदमा कौन दायर किया था। तो इसका सही उत्तर है इंडियन फेडरेशन ऑफ वुमेन्स लॉयर नामक संगठन की ओर से यह मुकदमा दायर की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, अधीनस्थ अदालतों को अलग अलग कौन कौन नाम से जाना जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा ट्रायल कोर्ट या जिला न्यायालय, दूसरा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, तीसरा प्रधान न्यायिक मजिस्ट्रेट, चौथा
मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, छठा, पांचवा सिविल जज न्यायालय। तो ये अधीनस्थ न्यायालय के अलग अलग स्वरूप हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि जनहित याचिका यानी कि PIL क्या है और इसे कब लागू किया गया। तो इसका सही उत्तर है 1980 के दशक में सर्वोच्च न्यायालय ने जनहित याचिका की व्यवस्था की। न्यायालय ने किसी भी व्यक्ति या संस्था को ऐसे लोगों की ओर से जनहित याचिका दायर करने का अधिकार दिया जिसे अधिकारों का उल्लंघन हो रहा। यह याचिका उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में दायर की जा सकती है और सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के नाम भेजे गए पत्र या तार को भी जनहित याचिका माना जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज ने सर्वोच्च न्यायालय में किससे संबंधित जनहित याचिका दायर की। वर्ष 2001 में राजस्थान और उड़ीसा के गोदाम में अनाज के भंडार भरा है। नेक्स्ट, सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि नए रोजगार पैदा करें, राशन की सरकारी दुकानों के जरिए सस्ती दर पर भोजन उपलब्ध कराएं और बच्चों को स्कूल में दोपहर का भोजन दिया जाए। तो ये दोनों सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय न्यायपालिका की संरचना क्या है। तो इसका उत्तर होगा कि भारतीय न्यायपालिका में 26 न्यायाधीश हैं, 725 स्वीकार पद वाले 21 उच्च न्यायालय हैं और 14,477 अधीनस्थ न्यायालय हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, कुछ लड़कों द्वारा लड़की को परेशान करने पर कौन सा मुकदमा दर्ज होगा। फौजदारी। इसका सही उत्तर होगा फौजदारी। नेक्स्ट प्रश्न है कि शारीरिक या मानसिक रूप से परेशान किए जाने पर कौन सा मुकदमा दर्ज होता है। तो इसका सही उत्तर होगा फौजदारी। नेक्स्ट प्रश्न है संविधान की व्याख्या करने का अधिकार किस न्यायालय के पास। तो इसका सही उत्तर होगा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के पास। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा कथन सत्य है। पहला, न्यायिक व्यवस्था नागरिकों, सरकारों, दो राज्य सरकारों के मध्य तथा केंद्र और राज्य सरकारों के मध्य पैदा हुए विवादों का निपटारा करते हैं। संविधान की व्याख्या करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के पास है। ये दोनों सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मौलिक अधिकारों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा असत्य है। पहला, कोई भी नागरिक अपने मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने की स्थिति में सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है, लेकिन उच्च न्यायालय इस संदर्भ में अधिकार क्षेत्र नहीं रखते हैं। दूसरा, संविधान के अनुच्छेद 21 में प्रत्येक नागरिक को सम्मानजनक गौरवपूर्ण जीवन जीने का अधिकार प्राप्त है, साथ ही स्वास्थ्य का अधिकार भी इसी मौलिक अधिकारों के अंतर्गत आदित है। तो ये दोनों ऑप्शन सही है। नेक्स्ट प्रश्न है,
कि भारत निम्नलिखित पर विचार करें कि कौन सा कथन सत्य है। पहला, भारतीय संविधान में न्यायपालिका को पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं रखा गया है, सरकार का उस पर नियंत्रण रहता है। और दूसरा है, उच्च और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्तियों में सरकार को दखल नहीं होने पर ही स्वतंत्र न्यायपालिका का होना संभव है। तो इसका दूसरा ऑप्शन सही है, पहला गलत है। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो इस चैप्टर से आप लोगों की सेवा में प्रस्तुत किया गया है। उम्मीद है कि आपको यह अच्छा लगा होगा। अब अगले चैप्टर लेकर आपकी सेवा में उपस्थित होंगे। धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए हिंदी क्लब को, दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री है।